दोस्तों जी एन टी एडवाइस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों शाओमी ने इसी महीने अपना रेडमी 5A स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अब शाओमी द्वारा अपने रेडमी नोट और रेडमी नोट 5 स्मार्टफोन्स पर काम करने की खबरें हैं। पिछले हफ्ते ही इन स्मार्टफोन्स के बारे में नई जानकारियां सामने आई थी। शाओमी के एक नए डिवाइस को चीन में सर्टिफिकेशन साइट टीना पर देखा गया है। इस लिस्टिंग में शाओमी रेडमी नोट 5 में एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले होने का खुलासा होता है। टीना पर MET7 और MEE7 कोड नेम वाले हैंडसेट को लिस्ट किया गया है। लिस्टिंग के मुताबिक आने वाले Redmi Note 5 में एक 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन होगा, यानी फोन पिछले Redmi Note 4 से ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन यह ज़्यादा पतला भी होगा। फोन यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन के साथ आएगा। रियर पर उभरा हुआ कैमरा और एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। टीना लिस्टिंग से आने वाले कथित रेडमी नोट 5 के सभी स्पेसिफिकेशंस का खुलासा हो गया है, लेकिन फोन के प्रोसेसर का पता अभी नहीं चला है। इस फोन में एक स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। लीक हुए स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो रेडमी नोट 5 में एक 5.99 इंच का फुल HD प्लस 2.5D कर्व डिस्प्ले दिया जा सकता है। फोन के वेरिएंट्स की बात करें तो 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज का एक वेरिएंट आएगा और दूसरा वेरिएंट 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज का आएगा। स्मार्टफोन की स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ाया जाना पॉसिबल होगा। फोन में एंड्रॉयड 7.1.2 नूगा बेस्ड MIUI 9 होगा। स्मार्टफोन में 12 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा होगा। इसके अलावा फ़ोन को पावर देने के लिए 4000 mAh की बैटरी दी जाएगी। फ़ोन में 4G वो एल टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, GPS और ग्लो नॉस जैसे फीचर होंगे। शाओमी रेडमी नोट 5 को ब्लैक, रोज गोल्ड, वाइट, ब्लू, रेड, ग्रे और सिल्वर कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया जा सकता है। फ़ोन को नवंबर के मध्य तक लॉन्च होने की उम्मीद है। बता दें कि ये सब जानकारी अभी लीक व रिपोर्ट्स पर आधारित है, इसलिए इन पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं किया जा सकता और कंपनी द्वारा किसी आधिकारिक जानकारी दिए जाने का भी हमें इंतज़ार है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों ऐसी और गैजेट और टेक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल GNT Advice ज़रूर सब्सक्राइब करें।